नेक्स्ट है इसके अंदर पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन हेडिंग डालो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। देखो वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, वर्क डन नेगेटिव भी होता है और वर्क डन जीरो भी होता है। तो वो क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि बताओ इसमें वर्क डन जीरो, जीरो के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि जीरो वर्क डन कब कब हो सकते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो रहती है या डिस्प्लेसमेंट होती है, बट नहीं ऐसा भी नहीं होता। हाँ ऐसा भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब भी ऐसा हो जाता है, लेकिन और भी केस है। पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, पहले पॉजिटिव वर्क डन किसे बोलते हैं। देखो पॉजिटिव वर्क डन तो हम जितने वर्क डन आज तक करते आए वो सारे के सारे पॉजिटिव वर्क डन ही हैं। तुमने कभी नेगेटिव वर्क डन नाइन्थ क्लास में पढ़ा ही नहीं होगा। तो बेसिकली तुमने क्या किया, पॉजिटिव वर्क डन तब होगा जब इमेजिन करो कि ये बॉडी है, ये एफ है और ये एस है, एस वेक्टर है, एफ वेक्टर है और लेट अस सपोज इनके बीच में एंगल थीटा है। बहुत सिंपल है, वर्क डन की वैल्यू एफ एस कॉस थीटा है। अगर थीटा जीरो और जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल, कॉस जीरो भी वन होता है, तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। और 90 से छोटा हो, अगर एंगल 90 कर दिया मैंने, कॉस 90 क्या होता है जीरो, तो एफ और एस में एंगल 90 ना हो तो फिर जीरो वर्क डन हो जाएगा। 90 से छोटा हो यानी कि थीटा शुड बी लेस देन 90, तो गारंटेड है आपका वर्क डन पक्का क्या आएगा, पॉजिटिव। मतलब आप फोर्स कहीं भी लगाएं, जीरो जीरो पे लगाएं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 30, 45, 60, कुछ भी लगाएं, आपकी बॉडी हर हालत में डिस्प्लेस कहाँ पे होने वाली है, टूवर्ड्स राइट, राइट पे ही डिस्प्लेस होगी, और लेफ्ट तो जाने से रही, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होगी राइट की तरफ। और आपका एंगल इसमें थीटा लेस देन 90 होगा, कॉस 90, अगर एंगल लेस देन 90 है तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आपका वर्क डन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कई बुक्स इसको ऐसे लिखती हैं, कई ऐसे लिखती हैं कि अगर आपका फोर्स का एक कॉम्पोनेंट, ये मान लो फोर्स का कॉम्पोनेंट है कितना, एफ कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट के साथ लाई करता है, अगर आपका फोर्स का एक कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग लाई करता है तो आपका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और वो तो तभी करेगा जब आपका एंगल लेस देन 90 है, तभी तो कॉम्पोनेंट कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा, क्योंकि ये वाला कॉम्पोनेंट जो होगा, आपको कि दूसरा कॉम्पोनेंट कहाँ है, दूसरा कॉम्पोनेंट की वैल्यू बोलो क्या होगी, एफ साइन 90, ये जो भी फोर्स होगी वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल क्या बनाएगी, 90। और जब एंगल 90 होता है फोर्स के कॉम्पोनेंट का और डिस्प्लेसमेंट का, तो वर्क डन क्या माना जाएगा, जीरो। तो ये कॉम्पोनेंट फोर्स का वर्क डन में बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट राइट की तरफ है, एस वेक्टर भी राइट की तरफ है, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, लिख लिया यहां तक, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा। और इसका अगर एग्जांपल बोल रहा हूं तो अगर आपने मान लो फोर्स को 60 डिग्री पे लगाया और आपकी बॉडी आपके फोर्स के वेक्टर के अलोंग डिस्प्लेस हो रही है, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। देखो नेगेटिव वर्क डन किसे बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन है, लेट अस सपोज ये आपके पास एक बॉडी है, इसके ऊपर आप यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या लगा रहे हैं पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है और काइनेटिक फ्रिक्शन है,
ये बॉडी स्लाइड करती हुई राइट पे जा रही है, ठीक हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और लेट अस सपोज ये बॉडी एस डिस्प्लेस हो गई टूवर्ड्स राइट, एस डिस्प्लेस हो गई। तो मैंने आपसे ये पूछा, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, ये बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है, राइट है। तुम्हें वर्क डन किसका पूछा, फ्रिक्शन का, तुम अप्लाइड फोर्स की बात भी मत करो, तुमसे पूछा ही नहीं उसका वर्क डन, तो तुम फ्रिक्शन की फोर्स लो, डिस्प्लेसमेंट लो, एंगल इनके बीच में कितना है 180, तो यहाँ पर लगाओ 180, और कॉस 180 मैथ्स में क्या होता है -1, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव। तो एक रूल है, जितने भी अपोजिंग फोर्सेस या फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं ये हमेशा नेगेटिव वर्क डन ही करेंगी। और एक बहुत सही रूल है, जो फोर्स आपकी बॉडी को एक्सेलरेट करवाए वो पक्का पॉजिटिव वर्क डन करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स बॉडी की डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही लगेगी। और जो फोर्स क्या करे, बॉडी को रिटार्ड करे, स्लो डाउन करे, तो ऐसे केस में वर्क डन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। तो जो बॉडी को रोकेगी फोर्स वो नेगेटिव वर्क डन करेगी, जो चलाएगी एक्सेलरेट करवाएगी वो पॉजिटिव वर्क डन करेगी। और ये रूल है, अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 90 है, आप चेक कर सकते हो आपके डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच में एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90 है, तो ऑब्वियसली कॉस ऑफ थीटा नेगेटिव आने वाला है, आपका वर्क डन नेगेटिव ही आने वाला है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस नेगेटिव, वर्क डन बाय ब्रेक्स, जो गाड़ियों की ब्रेकिंग सिस्टम है वो नेगेटिव वर्क डन करती है, क्योंकि वो गाड़ी को क्या करती है, स्लो डाउन करती है, और स्लो डाउन करने के लिए वो अपोजिंग फोर्स लगाती है गाड़ी की मोशन के, जिस वजह से जो अपोजिशन की फोर्स है वो हमेशा नेगेटिव वर्क डन ही करेगी। तो ऐसा भी कहा जाता है, बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ है कि लेट अस सपोज आपके पास ये एक बॉडी है, ये आपने फोर्स लगाई एफ वेक्टर, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, ये लो ये डिस्प्लेसमेंट है एस वेक्टर, ये आपकी फोर्स है एफ वेक्टर, ये लो ऐसे। और लेट अस सपोज इसका जो कंपोनेंट है, आप चेक कर रहे हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल ग्रेटर देन 90 है, और एक मिनट के लिए अगर मैं ये एंगल भी थीटा ले लूं तो इसका कंपोनेंट एक कहां गिरेगा, एफ कॉस थीटा इधर आएगा, एफ साइन थीटा तो ऊपर ही जाएगा, एफ साइन थीटा कोई वर्क डन करेगा नहीं, क्योंकि उसका एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ हमेशा क्या बनने वाला है 90। अब ये जो फोर्स का कंपोनेंट है, ये फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ नहीं है, तो मैंने अभी लिखवाया था पॉजिटिव वर्क डन में, अगर ये फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ होता तो वर्क डन पॉजिटिव था, और अगर ऑपोजिट है तो वर्क डन नेगेटिव है। तो जरूरी नहीं है कि आपकी हमेशा फ्रिक्शन की फोर्स ही लगे, मैं एक ब्लॉक आगे जा रहा हूं उसको रस्सी से पीछे भी खींच सकता हूं, जब आपने उसकी मोशन आगे फेंक दी पर रस्सी पकड़ रखी थी, रस्सी से मैंने पीछे खींच लिया, तो ऑब्वियसली उसमें रिटार्डेशन जनरेट कर दूंगा, और रिटार्डेशन जनरेट करूंगा तो मेरा वर्क डन क्या माना जाएगा, नेगेटिव। क्लियर हो गया यहां तक। अब आपकी बुक्स इसमें ऐसे लिखती हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन के केस में सीधा शॉर्टकट लगाती हैं ऐसे, मतलब कायदे से ये आया कहां से, ये यहां से आया, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होता है 180, कॉस 180 क्या होता है -1, और ये सीधा शॉर्टकट है। तो मैं आज के बाद न्यूमेरिकल में जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो मैं 180 नहीं लगाऊंगा, मैं भी सीधा क्या लगा दूंगा, नेगेटिव एफ इंटू एस, बात खत्म हो जाती है। ये वाली फ्रिक्शन है, हाँ ये फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फ्रिक्शन, ये कैसे होएगी, तो ग्राउंड के साथ है ही नहीं, ये तो मेरी अप्लाइड फोर्स है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये डायग्राम के साथ नहीं बनाया, मैं तो अलग बात बता रहा था, ये केस खत्म हो गया, ये नहीं है, मैं तो वैसे बता रहा हूँ जब फ्रिक्शन के केस, इस जो मैंने लिखा इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे लिखा है कि वो एग्जांपल मैंने बता दिया। फिर मैंने ये बताया कि अगर आपके बुक्स में फ्रिक्शन का वर्क डन कैलकुलेट करना हो तो आपकी किताब में ये स्टेप नहीं शो करती, वो सीधा नेगेटिव ही लगाती हैं, क्योंकि वो ये मानती हैं कि फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट ये सुन के आया होगा कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, सीधा माइनस एफ टू एस लगाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ये बता रहा हूँ कि शॉर्टकट नोट करना है तो नोट कर लें, मैं भी ऐसा ही लगाऊंगा, सही है।
नेक्स्ट लिखते हैं, जीरो वर्क डन. नेक्स्ट इज जीरो वर्क डन. इस पे बहुत आते हैं क्वेश्चंस. जैसे देखो, वर्क डन जीरो कब माना जाएगा? वर्क डन जीरो तब माना जाएगा कि अगर आपके पास ये ब्लॉक है, आप फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? अपवर्ड. लेकिन किसी तरीके से बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मान लो कहाँ हो रही है? राइट पर. आप उसको रोकने के लिए फोर्स ऊपर लगाएंगे. एफ और एस में एंगल क्या बनेगा? 90. तो वर्क डन की वैल्यू आएगी एफ एस कॉस 90, यानी कि जीरो. अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ. आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बॉडी के ऊपर मैं बस्ते को तो ऊपर लगा रहा हूँ फोर्स, और बस्ता इधर कैसे मूव कर सकता है? ये तो हो नहीं सकता. ये कुली वाले एग्जाम्पल में ये होता है. कुली जो बक्सा उठाएगा वो फोर्स कैसे लगाएगा? वो फोर्स ऐसे लगाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी. सामान को उठाने के लिए वो ऐसे फोर्स नहीं लगाता, वो ऐसे फोर्स लगाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी. और उसकी मोशन कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल. तो वो सामान को लेके हॉरिजॉन्टल जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, पर फोर्स कहाँ लगा रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट. तो एफ और एस में एंगल क्या बनेगा? 90. तो उसका वर्क डन क्या माना जाएगा? जीरो. ये पहला एग्जाम्पल है. दूसरा एक एग्जाम्पल जो पेपर में हमेशा आता है, और मुझे पता नहीं आप कितना रिटेन कर पाएंगे, लेकिन आपको कभी ना कभी एग्जाम में मार्क करने को ज़रूर आएगा, और अलग अलग फॉर्म में आएगा. अब पता नहीं आप किस तरीके से समझेंगे. इम्पॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूँ. देखो, वर्क डन कब जीरो होगा? इमेजिन करें कोई भी बॉडी किसमें घूम रही है? इन अ सर्कल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज कोई भी बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो मैंने आपको ये हमेशा बताया कि सर्कल में घूमने के लिए उसका कुछ पोर्शन हमेशा लीनियर होता है. हमारी डिस्कशन हुई थी, जैसे डी आर वैक्टर, मैंने कहा था अगर मैं एक शहर का चक्कर काटूँ तो कुछ दूरी मैं सीधा भी कैलकुलेट करूंगा तो जाके सर्कल में घूमूंगा. तो अगर मैं इस सर्कल का एक छोटा सा पार्ट लेता हूं, मान लो बहुत छोटा पार्ट है, दिखाया बहुत बड़ा है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो दिस इज वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट, जो कभी गोल नहीं हो सकता, कर्व नहीं हो सकता, वो स्ट्रेट ही निकलेगा. तो मान लो ये मेरा आर वेक्टर है, मान लो दिस इज आर वेक्टर, और एक फोर्स सर्कल में घुमाने के लिए इसके ऊपर एक्ट कर रही है जिसका नाम क्या है? सेंट्रिपेटल फोर्स. आप जहाँ मर्जी डायग्राम बना लें, जहाँ मर्जी डायग्राम बना लें, जैसे ये आप आर वेक्टर यहाँ ले लें और ऐसे ले लें, जहाँ मर्जी डायग्राम बना लें, सेंट्रिपिटल फोर्स और आर वेक्टर के बीच में हर हमेशा एंगल क्या बन रहा है? 90. देख रहे हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? टेंजेंशियल है. अगर ये बात समझ में नहीं आती कि डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर जो है वो टेंजेंशियल है, तो ऐसे समझ लें, वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंशियल होता है. वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? dr बाई dt होता है. तो अगर v वेक्टर टेंजेंशियल है तो r वेक्टर भी टेंजेंशियल है. तो यानी कि जो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट है लीनियर, वो टेंजेंशियल है. तो टेंजेंट और रेडियस में हमेशा एंगल 90 बनेगा. तो याद रखना, लिख लें कि सेंट्रिपिटल वर्क डन, लिखें वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो. सेंट्रिपिटल फोर्स जब भी किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाएगी, उसका वर्क डन हमेशा जीरो ही होगा. तो सेंट्रिपिटल का वर्क डन हमेशा जीरो होगा. राइट. तो कई बार जैसे सीधा पूछ लेगा कि बताओ सेंट्रिपिटल फोर्स ने कितना वर्क डन किया. अब कई लोग वो डिस्प्लेस कंफ्यूज करने के लिए बहुत चीज़ें देता है. मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ इसमें कैसे कैसे चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जाएगा, पर इन दी एंड आंसर उसका जीरो निकलेगा. पर हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव करते हुए कुछ और सोच लें और उसके बातों में आ जाएं और कुछ गलत भी आंसर दे दें. तो अगर तुम ऐसे पूछता है व्हाट इज वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स व्हाइल अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, तो आंसर 100% जीरो ही मार्क करेंगे. तो पहला पॉइंट तो हो गया क्लियर.
ठीक है। दूसरा वो ऐसे पूछ सकता है कि मान लो एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम में एक बॉब ऐसे मूव कर रहा था एम मास का, इट वॉज मूविंग इन अ, ये पेंडुलम है, पेंडुलम में वो ये पूछेगा कि बताओ टेंशन यहाँ पर मान लो क्या एक्ट कर रही है, टेंशन टी, और ये रहा पेंडुलम का सेंटर सी। तो वो ये पूछेगा कि बताओ टेंशन, पेंडुलम के केस में टेंशन कितना वर्क डन करेगी, वर्क डन बाय टेंशन, बोलो क्या आंसर होगा, जीरो। क्यों होगा? क्योंकि ये जो फोर्स है वो कहाँ कर रही है, टूवर्ड्स सेंटर, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो इसका आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे होने वाला है, टेंजेंशियल, तो फिर से एंगल क्या बनने वाला है, 90। मतलब पार्ट ऑफ सर्कल हो या पूरा सर्कल हो, आंसर तो जीरो ही होगा। सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा जीरो काम करती है, तो इसके अंदर जो वर्क डन है उसका जीरो होता है, तो इसके अंदर टेंशन टुवर्ड सेंटर है और वो सेंट्रिपिटल का पार्ट है, तो ये वर्क डन क्या यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, जीरो। तो जितने भी हमने सर्कल के केस किए, आपने देखा होगा कभी नॉर्मल रिएक्शन ऐड करता है टुवर्ड सेंटर, कभी टेंशन ऐड करता है टुवर्ड सेंटर, कभी फ्रिक्शन ऐड करती है टुवर्ड सेंटर, वो पूछ सकता है कि लेवल रोड पे, याद है लेवल रोड पे कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कितना वर्क डन कर रही है, जीरो। क्यों? क्योंकि इट इज एक्टिंग लाइक अ सेंट्रिपिटल फोर्स। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा जीरो काम करेगी। अब ये भी जरूरी नहीं ना पूरा सर्कल में वो घूमे या ना घूमे, सर्कल में घूम रही है बॉडी तो भी जीरो, सेमी सर्कल में घूम रही है तो भी जीरो, पेंडुलम का केस है तो भी जीरो, तो हर केस में सेंट्रिपिटल फोर्स जीरो वर्क डन ही करेगी। क्या पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो जो अभी हमने सब किया, आपको शीट भी दी मैंने, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एफ इनटू एस, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, वर्क डन स्केलर मैंने बता दिया, नेचर ऑफ वर्क डन आप चेक कर सकते हो, पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव, बताऊंगा उसके एनर्जी के अंदर आएगा, एनर्जी कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर वर्क डन जीरो तो वहां एनर्जी जीरो, ये कोई रूल नहीं है। वर्क डन एनर्जी का एक रिलेशन आने वाला है, वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद पूछना, अब सब आंसर मिल जाएंगे। अब हमने ना थोड़ी अलग क्लासिफिकेशन कर रखी है, वर्क डन तो वर्क डन है, एनर्जी है एनर्जी है, फिर वर्क और एनर्जी है, फिर लेट होगा। अभी तो वर्क ही निकालना नहीं आया ना तुम्हें, तुम्हें लग रहा है, अभी रुको। ठीक, देखो पॉजिटिव वर्क डन क्या है, मैंने बता दिया ये चीज, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बता दिया कि अगर फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है एफ कॉस थीटा, तो वर्क डन क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। और मैंने ये भी लिख दिया, और ये भी और एग्जांपल है पॉजिटिव वर्क डन का, व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी, तो वर्क डन पॉजिटिव है। कैसे, ये देखो एक बॉडी नीचे फॉल कर रही है, तो कितनी फोर्स से फॉल कर रही है, खुद उसका वेट उसे नीचे गिर रहा है, तो फोर्स क्या है, वेट है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, नीचे गिरते हुए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज जीरो, दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो आपका वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, MGH। ठीक, तो ये लिख दिया, व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बोथ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव। मतलब आप जब एक स्प्रिंग को खींचते हो, तो मान लो आपने इस तरफ फोर्स लगाई, उस स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ है, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग उल्टा थोड़ा दबेगा, आप इधर खींच रहे हो तो स्प्रिंग आपकी तरफ ही आएगा, तो एफ और एस में एंगल क्या होगा, जीरो, तो वर्क डन इसमें पॉजिटिव होगा। फिर मैंने नेगेटिव वर्क डन बता दिया, सेम एग्जांपल, एफ का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा उल्टी तरफ है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वर्क डन नेगेटिव है, नेगेटिव वर्क डन के लिए थीटा की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 90, क्योंकि मैथ्स में कॉस ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 का आंसर नेगेटिव आता है, तो वर्क डन की वैल्यू इसमें नेगेटिव है। इसके एग्जांपल है, व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन इज नेगेटिव, बता दिया मैंने कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क डन करता है, एग्जांपल डिस्कस हो गया। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाई टू अ मूविंग व्हीकल, तो भी नेगेटिव वर्क डन, ये भी बता दिया, और ये डिस्कस कर लिया कि एक्सेलरेटिंग फोर्सेस जो है पॉजिटिव वर्क डन करती हैं,
रिटार्डिंग फोर्सेस नेगेटिव वर्क डन करती हैं। जीरो वर्क डन बता दिया जब एंगल 90 होगा एफ और एस के बीच में, और बता दिया कुली वाला एग्जांपल, कुली का वर्क डन जीरो माना जाता है। वर्क डन बाय टेंशन इन अ स्ट्रिंग इन सिंपल पेंडुलम, इसमें क्या होगा, जीरो होगा। और ये मैंने बता दिया कि रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स यानी कि वेक्टर की फॉर्म में, उनको रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बुला करते थे अगर आपको याद हो तो, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है कि इसका एक एक्स कॉम्पोनेंट है, एक वाई कॉम्पोनेंट है, एक जेड कॉम्पोनेंट है, और ऐसे ही एस वेक्टर का भी एस एक्स कॉम्पोनेंट है, वाई है और जेड कॉम्पोनेंट है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये एफ वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, और अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है और आपको वर्क डन निकालना है तो आप एफ वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लें, वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया।